एगो जंगल में एगो बारह सिंघा हिरन रहत रहे, जौन के हमेशा कौनो ना कौनो बात के लेके अपन किस्मत के कोसत रहत रहे। एक दिन वो जंगल में खाना तलाश करत रहे कि अचानक ओकर सींग घना झाड़ी में फंस गई। अरे यार, अब कैसे निकाली अपन सींग के, हमार तो सर भी चकरा रहल बा। वो कई घंटा यही तरह अपन सींग के वजह से झाड़ी में फसल रहल और अपना आप के कोसत रह गई। हे भगवान, कम से कम केहू के तब मदद खातिर भेज द। तब ही एगो कछुआ अपन मध्यम चाल से ओकरा लगे आइल। अरे हिरन भाई, तू तो बहुत बुरी तरह से झाड़ी में फंस गईला, हमार फूटल किस्मत की मदद खातिर भी कछुआ आइल, अरे ही का कर सकता। ई बात सुन के कछुआ आसमान के तरफ देखे लागल। अचानक से बहुत तेज हवा चले लागल और झाड़ी के हिले से बारह सिंगा के सींग छूट गई। अच्छा भाई, हम खुद के सही सलामत छुड़ावे में कामयाब रहनी, वरना हमके तो लागल कि पता न कई दिन तक यही में फंसल रहब और एक दिन यही जे दम तोड़ देब। चल अब तू भगवान के शुक्रिया अदा करा और ही अपना घरे चल जा। का कहला भगवान के शुक्रिया अदा करी है जी, हमके भारी और टेढ़ा मेरा सिंह दिले, जेकरा वजह से हम बार बार मुसीबत में फंस जाइला। अपना ही जैसन कोनो और बारह सिंगा से लड़े के चाही तो हमार सिंह ओकरे में जाके फंस जाला, अब हम का करी। हमरा तो भगवान पर बहुत खीस बरेला जी हमके ऐसन बनौले बारे। अच्छा तब तू बतावा, तहरा हिसाब से तहरा का होके के चाहत रहे? एगो खूबसूरत चिड़िया, हल्का सा उड़े खातिर पंख और खाना भी आसानी से मिल जाला ओके, और चिड़िया के पंख ऐसे कभी झाड़ी में फंसेला भी ना। ठीक बा, तहारी ख्वाहिश जल्दी ही पूरा होई। ऐसन कह के वो कछुआ अपन धीमा चाल से वहां से चल गई। जाते जाते बढ़िया मजा करके गई है। चल हम भी अपन गुफा में जाके सूत जाता नी, सर बहुत ज्यादा दुखा रहल बा। ऐसन कह के वो अपन गुफा में चल गई। तभी अचानक से वो देखलस कि गुफा में पूरा तरह से अंधेरा हो गई बा, ओकरा बाहर जाए के रास्ता भी ना दिखाई देवत रहे। अरे ये अंधेरा कैसे हो गई, कोई बचावा। धीरे धीरे ओकर दम घुटे लागल और वो बेहोश हो गई। काफी देर के बाद जब ओकर आँख खुलल तो वो देखलस कि अब सवेरा हो गई बा और वो एगो पेड़ के डाल पे बैठल रहे। अरे यार, हम इतना ऊंचा पेड़ पे कैसे पहुंच गई निया। ई कह के वो गौर कैलस कि ओकरा में बहुत सा बदलाव आ गई बा। ई का हमार आवाज इतना मीठा और ई पंख, अरे वाह, एकर मतलब हम चिड़िया बन गए बानी। ई कह के वो पेड़ के डाली से उतरल और हवा में उड़े लागल। अरे वाह, ताजा हवा और हल्का वजन, कितना अच्छा लगा था। वो यही तरह काफी देर तक उड़त रह गई, फिर ओकरा प्यास लागे लागल। अरे यार, इतना जल्दी तो प्यास कबो न लागेला हमरा। वो तालाब पे जाके पानी पियलस और आगे बढ़ गई। कुछ देर उड़े के बाद ओकरा फिर प्यास और भूख लागे लागल। अब तो प्यास के साथ भूख भी लागता, हमार चोंच बहुत छोटा बा, शायद यही खातिर बार बार प्यास लागता, लेकिन फिर भी हमरा उड़े के ही पड़ी, चल के खाना और पानी तो ना ढूंढ सके नी। ऐसन कह के वो हवा में काफी ऊपर उड़े लागल। तभी ओकरा अपना पीछे कोनो बाज के चीखे के आवाज आईल। वो पीछे मुड़ के देखलस। अरे ये बाज तो हमरा ही तरफ आवता। कितना प्यारी चिड़ैया, तू हमरे निवाला बन के पेट में जाइबू। अरे माय रे, वो तेज तेज अपन पंख फड़फड़ाए लागल और पूरा ताकत से उड़ल, लेकिन बाज के चाल ओकरा से बहुत तेज रहे। वो झट से ओकरा के अपन पंजा में दबा लेलस। बाज भैया, छोड़ दे हमरा की। अरे तू हमार निवाला हो, तोके कैसे छोड़ दी। चिड़िया की जिंदगी में कितना मुश्किल बा, अब पता चल गई, काश हमें को शेर होखी थी तो कितना अच्छा होखी। तभी ओकरा लागल कि ओकर वजन ज्यादा होखा था। अरे तू इतना भारी कैसे हो जात बाड़ू। बाज ओकर वजन संभाल ना पाई और ऊ ओकर चंकुल से छूट गई।
लेकिन अब ओकर पंख गायब हो चुकल रहे। अरे हमार पंख कहाँ गए? अब तो हम नीचे गिर के मर जाए। वो चिल्ला के अपन आँख बंद कर लेलस। ओकरा पता चल चुकल रहे कि अब ओकर अंत निश्चित बा। तभी ओकरा महसूस भइल कि वो नर्म मोटा घास के ऊपर बा। वो आँख खोललस तो पाइलस कि वो अब एगो शेर बा और नर्म घास पे बिल्कुल सही सलामत खड़ा बा। अरे वाह, अब हम एगो शेर हैं। अब देखा तानी कि हमसे के भिड़े के हिम्मत करता। वो तेज दहाड़ कैलस जेकरा के सुन के कोनो जानवर सामने ना आइल। लगता कि हमार दहाड़ सुन के सब जानवर डर गईल। अब जाके बननी अच्छा ताकतवर जानवर। शेर राजा, अब समय आ गईल बा कि तू अपना ताकत के इस्तेमाल करा। ई सुन के वो पीछे पलट के देखलस। बंदर, लोमड़ी, लकड़ बग्घा, भालू और कई तरह के जानवर ओकरा सामने खड़ा रहन स। शेर राजा की जय हो। तू लोगन ऐसे इकट्ठा हो के हमरा पास का? हमरा खातिर शिकार के प्रबंध भइल बा? महाराज, आपके खाए के इंतजाम तो तब होई जब जंगल के जानवर सुरक्षित रही। का भइल जंगल के? जंगल के आपके जरूरत बा महाराज, हमनी के पूरा जंगल गुलाम बने वाला बा। ई तू का कह रहल बाड़ा? हाँ महाराज, पड़ोस के जंगल के शेर खान हमनी पर हमला करे वाला बा। वो अब हमनी के तरफ ही आ रहल बा। तो तू लोग यहाँ कहे आइल बड़ा? जा जंगल के जाके रखवाली करा। हमनी के ऐसे आई नी कि आप जंगल के राजा हैं। मुसीबत आइला पर जंगल के राजा ही जंगल के बचावे खातिर आगे आवेला। ई सुन के वो मन ही मन सोचे लागल कि शेर होखल भी बहुत मुश्किल के काम बा। ठीक बा, हम लड़ब और ई जंगल के रक्षा भी करब। तभी वो देखलस कि तीन गो शेर तेजी से सामने से ओकरा तरफ भागल आवत रहन स। अरे यही कहा, तीन गो शेर? हाँ महाराज, आपके तीनों शेर के हरावे के बा। ई तीनों भाई मिल के आपके मारे वाला बा और ई जंगल पर राज करल चाहता। अरे बाप, तीन गो शेर से हम अकेला कैसे लड़ब? जंगल के सब जानवर एक तरफ हो गईलन स और शेर चीख के अपन आँख बंद कर लेलस। काश ऐसे बढ़िया हम बारह सिंगा बन जाती था, अच्छा रहित। दूसरा जानवर की जिंदगी तो हमरो से ज्यादा मुश्किल बा। वो तीनों शेर ओकरा ऊपर झपटा मारे ही वाला रहन स, लेकिन तभी सब शांत हो गयी। वो डेरा के अपन आँख खोललस तो वो अब वापस से बारह सिंगा बन चुकल रहे। हे भगवान, तार लाख लाख शुक्र बा कि तू वापस हमके बारह सिंगा बना दिला। औरी तुझे अपन सिंह के बारे में कहत रहला हा, ओकर का? अरे हम एगो हिरन होके दूसरा हिरन से लड़ी, तय में हमरे गलती बा। औरी हमके कभी घनी झाड़ी में भी नहीं खे जाए के। आज से हम यह नियम रखब औरी अपन जिंदगी अच्छा से जियब। ई भइल ना बात। ई कह के वो कछुआ गायब हो गईल। बारह सिंगा भी समझ गईल कि वो कछुआ के भगवान ही भेजले रहन ओकरा के सबक सिखावे खातिर। वो खुश हो गईल और मस्ती में आके तेज तेज दौड़े लागल।